इंडस्ट्री को काफी सारा फायदा भी। हमारे साथ इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग हैं, वीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल और जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई। क्लियरली काफी बड़े फैसले और उनका रिएक्शन भी, और निधि खरे जी ने हमसे डायरेक्टली बात भी करी और बताया कि क्यों लिए गए हैं फैसले और उनके पीछे क्या मंशा रही। अजय जी, गेहूं के लिए फाइनली ऑफकोर्स वो OMSS आना अभी बाकी है, लेकिन और इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो एज ऑफ नाउ उसके ऊपर बात नहीं करना चाहेंगी, लेकिन जो स्टेप एज ऑफ नाउ लिया गया है उसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? देखिए, सब एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, इसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। ये एग्जैक्टली रिप्ले है लास्ट ईयर का, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, जो है कम अक्टूबर और हरियाणा के चुनाव खत्म होंगे और OMSS भी आ जाएगा, और ये जो स्टॉक लिमिट है 5,000 से 2,000 घटाई हुई है, दरअसल इसका जो है कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, एक जरूर उम्मीद की जा सकती है कि जो एक तेजी का रुख था बाजारों में वो फिलहाल के लिए जो है रुक जाएगा, और जब तक OMSS आएगा उसकी क्वांटिटीज जो है आगे नेक्स्ट स्टेप डिटरमिन करेगी। अब यहां से इमीडिएट इम्पैक्ट आज जी प्राइसेस में क्या आया है और क्या एक्सपेक्टेशन है? अब प्राइसेस सबड्यूड ही है, क्योंकि OMSS एक्सपेक्टेड था कई दिनों से, पिछले एक डेढ़ महीने से जो है ढंडोरा पिट रहा है कि आ रहा है गेहूं, गवर्नमेंट का जो है बम्बार्डमेंट आ रहा है, इसलिए ट्रेड भी साइलेंट है। और मेन ये देखने वाली बात है कि 5.5 मिलियन टन जो उनका टारगेट है अगले 5-5.5 महीने के लिए, उससे जो है बाजार की पूर्ति हो पाती है कि नहीं, ये एक मुख्य सवाल है। ऑलराइट, तो आपको क्या लगता है आगे जाके किस तरह का प्राइस रेंज यहां पर रह पाएगा? मुझे तो लगता है रेंज बाउंड रहेगा जब तक या तो डिमांड में सर्ज आएगी या सरकार का जो एलोकेशन है वो बहुत मीजली रहेगा और नाम मात्र रहेगा, तो जरूर जो है बाजार में घबराहट फैलेगी और वापस जो है बाइंग स्प्री आ जाएगी। ऑलराइट, तो अगला स्टेप अब यहाँ पर OMSS है, उसके अलावा उस इंडस्ट्री को कोई बहुत बड़ा सरप्राइज यहाँ पर नहीं है। डॉक्टर गर्ग, आप कैसे देखते हैं और यहाँ से आपको क्या लगता है? बासमती तो हो गया, वहां तो हमने एक स्टॉक रिएक्शन प्राइस रिएक्शन भी आता हुआ देखा, नॉन बासमती को लेकर जैसे निधि खरे जी ने कहा बातचीत जारी है, अभी कुछ तय नहीं है, आ सकता है, आपने कैसे रीड किया उन सेंटेंसेस को? देखिए, ये सेंटेंस तो बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नमेंट को करना तो है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा जो हिस्सा है इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट के अंदर नॉन बासमती के अंदर, देखें वाइट राइस का भी, जो हमारा नॉर्मली 6.4 मिलियन टन की एक्सपोर्ट होती थी तो वो घटकर 4,00,000 टन पर रह गई है, जिससे आज किसानों को भी बहुत अच्छे अपने फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। और दूसरा, 44,500 करोड़ का जो गवर्नमेंट अपना स्टोरेज के ऊपर खर्च करती थी, यदि इसको एक्सपोर्ट को नहीं ओपन किया जाता ओपन ट्रेड के अंदर और पूरे बिजनेस के अंदर प्राइवेटाइज नहीं किया जाता विदाउट किसी भी सरकारी संस्था को इन्वॉल्व किए हुए, क्योंकि यदि इसको ओपन नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी एक बिजनेस पूरे व्यापार के लिए तभी अच्छा है कि जबकि पूरा व्यापार ओपन हो, सभी व्यापारी लोग उसको कर पाए, तभी इमीडिएटली जो इसको जो 1,05,000 करोड़ का मिनिमम गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशन है, अदरवाइज बोझ एक्स्ट्रा पड़ेगा यदि नॉन बासमती को नहीं खोला गया इमीडिएट प्रभाव से, क्योंकि किसी भी एक्सपोर्टर्स को काम करने में टाइम लगेगा, मार्केट को बनाने में टाइम लगेगा। तो हम इससे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट किसी भी मूवमेंट पर नॉन बासमती का एक्सपोर्ट और खासकर व्यापारियों के लिए ओपन मार्केट में खोलेगी बगैर किसी संस्था को इन्वॉल्व किए हुए, क्योंकि काफी संस्थाएं कोशिश कर रही हैं कि उनके थ्रू ये एक्सपोर्ट हो, और पूरे हमारी गवर्नमेंट से मांग है इसको फ्री किया जाए जिससे गवर्नमेंट के ऊपर कोई वजन भी ना पड़े और किसानों को उसका मूल्य पूरा प्रॉपरली मिल सके। जैसा आप बासमती में देखें कि बासमती का MEP जो हमारी डिमांड थी, इमीडिएटली गवर्नमेंट ने इसको माना और इसको एवोल्यूश कर दिया, पूरा हटा दिया। इसको हटाने के बाद जो 25 रुपए केजी पैडी बिक रही थी मंडी के अंदर, आज सिर्फ 3 दिन के अंदर आज 30 रुपए किलो वो पैडी बिक रही है। तो ऑटोमेटिकली आप देखें कि सीधा 20 से 25% का किसान को डायरेक्ट फायदा पहुंचा है। यदि इसको हम किसी संस्था के थ्रू करते, इसको भी इसी तरीके से करते, तो वाकई किसानों को डायरेक्टली लॉस होता, इसके अंदर हर किसान फायदा ले पाएगा। और जल्दी ही मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इसको मानेगी और इसको ओपनली सभी के लिए हटा देगी। यही हमारी इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन की तरफ से डिमांड भी है गवर्नमेंट से।
वेल एब्सोल्युटली, और उन्होंने कहा भी कि हाँ अंडर कंसिडरेशन है लेकिन अभी कोई फैसला यहाँ पर लिया नहीं गया है, लेकिन इंडस्ट्री को होप है कि बहुत जल्दी वो भी आता हुआ नजर आएगा। नीरव देसाई जी, बहुत बड़ी खबर और आप बहुत फटाफट से उसको एनालाइज भी कर रहे थे, भेज भी रहे थे, और जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी 20% की वो आता हुआ नजर आया भी, लेकिन ट्रेड को शायद एक आइडिया था, हमने ऑलरेडी उसको प्राइस इन होते हुए भी देखा था, अब किस तरह की सिचुएशन है, सेटल डाउन हो गए? तो जैसे कि हर बार ट्रेडिंग लैंग्वेज में कहते हैं बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज, रूमर बहुत स्ट्रांग बन चुकी थी लास्ट 10 दिनों में, लास्ट 3-4 दिनों में 10% से 20% की भी एक्सपेक्टेशन आ चुकी थी। फिजिकल मार्केट्स ने 50-70 रुपीज का पर 10 kg का प्रीमियम भी बना लिया था क्रूड ऑयल्स में, तो काफी बहुत एक्सपेक्टेशन थी, बट जंप फिर भी मैं बोलूंगा बहुत बड़ा रहा है। 20% का इंक्रीज नेट इम्पैक्ट, 22% का हायर और 145 रुपीज पर 10 kg का हायर प्राइस हो गया है। सो ये मार्केट को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, एक्सपेक्टेशन बड़ी स्ट्रांग थी, बट आई वुड से के कंज्यूमर एंगल से थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको डाइजेस्ट करने में। जहां फार्मर एंगल की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आई थिंक सोयाबीन के क्रॉप को मात्र MSP पे प्रोक्योरमेंट, क्योंकि कितना एफिशिएंट ये MSP प्रोक्योरमेंट होता हमें नहीं मालूम था। अब मैं बोलूंगा कि आज अगर ये 150 रुपए पर 10 kg का तेल का इंक्रीज आया है तो वो सोयाबीन में भी परकुलेट डाउन करेगा। अब 4800-4900 का बीन्स मुझे लगता है ब्रॉडली किसान का संभल के बिक जाएगा। तो जो फार्मर ड्रिवन ये एक्टिविटी करी है, 2 MSP प्रोक्योरमेंट और 22% नेट इंपैक्ट ऑन इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज, ये दोनों ही मुझे लगता है कि फार्मर को हेल्प करेगा। नीरव, इमीडिएटली कंज्यूमर के लिए यहाँ पर किस तरह की तेजी देखने को मिलेगी, 10-15 रुपए किलो मान के चले? जैसे मैंने कहा 50-70 रुपए इसमें ऑलरेडी बढ़ चुके थे, मार्केट ओवरऑल 180-190 रुपीज की ड्यूटी हाइक में अबाउट 150-140 तो बोलने लगा है, तो मैं बोलूंगा कि अनदर 50-70 रुपीज बढ़ चुके हैं। धीरे धीरे मार्केट ये पूरा 180-190 रुपीज का डिफरेंस कवर करके मार्केटिंग होने लगेगी। आई वुड से अभी मुनाफा वसूली है, जिनके पास ड्यूटी पेड माल है वो थोड़ा एक्टिव रहेंगे 10-15 दिन, बट क्योंकि लार्जली एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, 15-20 दिन में हमको नए इम्पोर्ट ड्यूटी के पैरिटी से बेचना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो इमीडिएट फर्स्ट रिएक्शंस भी देने के लिए आपका नीरव, और डॉक्टर गर्ग आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने को, और इंडस्ट्री को काफ़ी कंग्रेचुलेशंस। और जैसे निधि करे भी हमें बता रही थी कि एक फाइन बैलेंस यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की गई है किसानों और कंज्यूमर्स और इंडस्ट्री के साथ, और आगे जाके कुछ और स्टेप्स की एक्सपेक्टेशन भी की जा सकती है, लेकिन फिलहाल इस